इस बार के लोकसभा चुनाव में सबसे हॉट सीट बाड़मेर की रही है। यहां भाजपा से केंद्रीय मंत्री रहे कैलाश चौधरी का मुकाबला कांग्रेस के उम्मीदवार राम बेनीवाल और शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी से था। इस त्रिकोणीय मुकाबले में कांग्रेस के उम्मीदवार राम बेनीवाल ने 1,18,000 से ज्यादा वोट से जीत हासिल की। कैलाश चौधरी तीसरे नंबर पर रहे। चौधरी अपने बूथ पर भी लीड नहीं ले सके। वो सभी 5 भाजपा विधायकों की सीटों के साथ सभी विधानसभाओं में पीछे रहे। यहां तक कि उनके बूथ से निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी आगे रहे। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार राम बेनीवाल के बूथ की बात की जाए तो यहां से रविंद्र सिंह भाटी को एक भी वोट नहीं मिला। भाजपा विधायकों व नेताओं के अधिकांश बूथों पर भाटी को सर्वाधिक वोट मिले हैं। राज्य मंत्री के विश्नोई गुड़ा मालानी से विधायक है। बिश्नोई के बूथ पर भाजपा प्रत्याशी को करारी हार का सामना करना पड़ा। बूथ संख्या 234 राठौर की ढाणी पर कांग्रेस के उम्मीदवार राम बेनीवाल को 56, भाजपा के कैलाश चौधरी को 89 और निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी को 431 वोट मिले। रविंद्र सिंह भाटी के गांव दुधोड़ा में कांग्रेस को 7, भाजपा को 4 और उन्हें खुद को 725 वोट मिले, जबकि पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष स्वरूप सिंह खारा के गांव खारा थौड़ान के में कांग्रेस को 93, भाजपा को 256 और निर्दलीय को 232 वोट मिले। यानी स्वरूप सिंह ने अपने बूथ पर भाजपा को बढ़त दिलाई। कांग्रेस के पूर्व विधायक अमीन खान के गांव देताड़ी में कांग्रेस को 171, भाजपा को 49 और अरविंद को 1244 वोट मिले। यहां कांग्रेस पीछे रही। पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी अपने बूथ पर ही आगे नहीं रह पाए। मालोत्रा शहर में गांधीपुरा बूथ कैलाश चौधरी और मौजूदा विधायक अरुण चौधरी का है। यहां बूथ संख्या 107 पर चौधरी वोट देते हैं। यहां कांग्रेस को 64, भाजपा को 402 और रविंद्र को 549 वोट मिले। इसी तरह विधायक अरुण चौधरी के बूथ नंबर 109 पर कांग्रेस को 95, भाजपा को 401 और रविंद्र को 489 वोट मिले। यहां भाजपा 88 वोटों से पीछे रह गई।